गेट की ड्यूटी इस प्रकार है कि आउट गेट के अंदर जब भी अंदर से ब्लॉक बनी के पार्किंग से जब भी गाड़ी आउट होती है तो आउट गेट का कर्तव्य बनता है गार्ड का कि बाहर में जाकर दाहिने और बाएं गाड़ी को रोकना है, अंदर वाली गाड़ी जो आउट होती है उसको सबसे पहले पास करना है, बाहर निकालना है सही सलामत, आपस में कोई एक्सीडेंट या कोई टकराव नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड जो आउट गेट पर रहता है इसकी ड्यूटी बनती है कि जब भी गाड़ी बाहर निकलने की कोशिश करती है या जाती है तो बाहर जाकर दाहिने बाएं को हाथ देके रोकना है और अंदर से जो गाड़ी आती है बाहर आउट होती है उसको सही सलामत बाहर निकालना है। आउट गेट से कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई भी व्यक्ति को आउट गेट से जाना सख्त से सख्त मना है। इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आउट गेट से आउट गाड़ी आउट होंगी इन नहीं होंगी, कोई भी अंदर नहीं आएगा ना बाहर जाएगा पैदल चलने वाला, इस बात का ख्याल रखना है। और इन गेट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के आदमी एम्प्लॉय और वर्कर अगर कोई ऐसा सामान लेके जाते हैं तो उनका गेट पास उनका परमिशन आपको देखना है। और हाउसकीपिंग और कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के आदमी लेबर इनको आपको सर्चिंग भी करना है, इनके जिस्म की तलाशी बॉडी की तलाशी इनका बैग थैला झोला टिफिन आपको अच्छी तरह करना है, कड़क से कड़क लेकिन नम्रता और प्रेम से। उनको एहसास भी नहीं होना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड ने इतने लोगों के सामने मुझे चेक किया, उसकी बेइज्जती महसूस नहीं होना चाहिए। आपका कार्य ऐसा होना चाहिए कि आपने काम भी किया और नाम भी कमा लिया, इस तरह से काम होना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार का या हाउसकीपिंग लेबर बिना सर्चिंग का नहीं जाएगा। अगर ऐसा हो गया, अगर कोई सामान लेके चला गया, इसकी जवाबदारी आपकी होती है। आप अपने ड्यूटी के अंदर सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, चारों तरफ ध्यान देना है, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखना है। पार्किंग के अंदर आपका लुक बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लंबाई ऊंचाई अच्छी है, आप दूर तक गाड़ियों को देख सकते हो। आपको ये भी देखना है कि फोर व्हीलर के अंदर एक से दो, दो से तीन या चार आदमी बैठे हो या तीन आदमी बैठे हो या दो आदमी बैठे हो, कब से गाड़ी में बैठे हैं, कब से फोर व्हीलर में बैठे हैं, वो क्या हरकत कर रहे हैं, अंदर कोई शराब या नशीली वस्ती का सेवन तो नहीं कर रहे या कोई गलत दुर्घटना तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर कोई गाड़ी में दो या तीन लोग बैठे रहते हैं तो आपका काम बनता है क्विक एक्शन, आपको चेक करना है, देखना है, बोलना है सर आप लोग ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्यों इतना, एक आधा घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया है, दो घंटा हो गया, आधा घंटा, एक घंटा, जो भी समय हुआ है सर आप कब से बैठे हो, और ऐसा गेस्टों को लाना अंदर मना है, है ना सर? गेस्टों को अंदर आना मना है। आपको आने से कोई तकलीफ नहीं, आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन यह शराब या नशीली वस्तुओं का सेवन करना ब्लॉक बनी के अंदर सख्त से सख्त मना है। पार्किंग के अंदर जब भी कोई फोर व्हीलर आती है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको तिरछी या तारची या उल्टी फुल्टी या इधर उधर नहीं लगाना है, रास्ते पे नहीं लगाना है, उसको पार्किंग के अंदर दायरे में और उसके जो बॉक्स बना है उसके अंदर खड़ी करना है आपको। अगर कोई क्लाइंट या कस्टमर का दरवाज़ा खुला है, उसमें सामान है, आप उनको नम्रता और प्रेम से बोलकर उनको सामान दे सकते हैं। आपको सीटी का इस्तेमाल करना है, विसल का विसल बजाना है, हाथ का इशारा देना है, आपको पार्किंग वाले को चिल्लाना नहीं है, इस बात का ख्याल सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने हमेशा याद रखना चाहिए। अपने गार्डों को प्रत्येक घंटे के अंदर आपको चेक करना है और उनको ड्यूटी के बारे में बताना है और अपने ब्लॉक बनी के चारों तरफ आपको राउंड पेट्रोलिंग और गश्त लगाना है ताकि कोई भी घटना या दुर्घटना नहीं घटे। इसलिए सुपरवाइज़र का कर्तव्य बनता है कि अपने एरिया के अंदर ओके रिपोर्ट रखना है।